लिखा जाए चैन से या बेचैन हो जाऊं, मुश्किल में बहुत हूं कैसे बताऊं, चलना मना है बात नहीं करता, क्या चाहते हो मैं फिर से अपनी औकात में आऊं। और सब लोग अपने भगवान को बुलाते हैं बट वो सोचते सुनता नहीं है, बट मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, पर सुनता है बट मैंने शेर तो लिख दिया है, सॉरी भगवान, कि उसने बनाया और अब वही बहरा है, किस कयामत से ये शरीफ चेहरा है, मैं नहीं चाहता कि तू साथ दे मेरा कभी, हाँ ये कह दे भैजीत सही कह रहा है। और बिगड़ा तो नहीं हूं, बिगड़ सकता हूं, अपनी तब्दीली से इतना इत्तफाक क्यों रखता हूं, ये आवाज पता है कहां से आई है, किसको हुई है तकलीफ समझ सकता हूं। यार तालियां बजाइए, शेर अच्छा था। और महंगी जमीन में घर नहीं है मेरा, लेकिन आसमान तोड़ के छत बना सकता हूं, तू किसके खिलाफ लड़ा जानता हूं मैं, कैसे कैसे लड़ा ये भी बता सकता हूं। और आप लोग प्यार की बात बहुत ज्यादा कर रहे थे तो मैंने शेर लिखा है, सुनिए। शहर में तब्दीली बहुत हुई लेकिन उससे मेरा सवाल अब भी यही था, तूने मुझे शिद्दत से चाहा था कदम कि उस वक्त तेरे पास कोई नहीं था। और एक सेकेंड बस, हाँ आपके रिलेटिव्स, दुश्मन, दोस्त, जो दूसरे दोस्त हैं नहीं सिर्फ नाम के हैं, आपकी फिक्र आपकी हार से ज्यादा करते हैं, तो मैंने उनके लिए शेर लिखा है, सुनिए। कि सियासत में देखा था हुनर ऐसे हैं, मेरी नाकामी की आपको खबर कैसे है, मैं हार गया या जीत नहीं पाया ये मेरा मसला था, ये आप बताओ कि आपको मेरी फिक्र कैसे है। अच्छा हुआ हल्ला मेरे इलाके तक था, ये कैसा बवाल मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरी सलामती की दुआ तो आपने भी की थी ना, अब उम्र बढ़ने की खबर में जमाना रो रहा है। और लास्ट शेर मेरा ये कि भैजीत हम तेरे बारे में शेर लिखेंगे, तू बता हमको हुआ क्या है, वैसे जिंदगी में तो मेरी कोई गम नहीं लेकिन वो बस जिंदा इसमें बुरा क्या है। सॉरी, थैंक यू सो मच।